हेलो किट्स हावर यू ऑल होप यू ल फाइन एंड सेफ एट योर होम सो किट्स हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर थ्री दैट इज़ कंसोनेंट्स एंड वॉवल्स हमने वो किया था राइट हमने उसमें वर्कशीट जो है हमारी कंप्लीट किया था लास्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर ई बाकी था सो so, हमने नाइसली आप सब ने लिखा और हमने नाइसली एक्सप्लेन मीन समझे आप सब और फिर आपने नोट डाउन किया नाउ टुडे फिर हमने येस yes, फिर हमने ब्लैंक्स भी लिखी थी नोटबुक में राइट right? फिर हमने ब्लैंक्स लिखी थी टू टू टाइम्स राइट थ्री थ्री आपने तो थ्री टाइम्स लिखा होगा राइट right? आज हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे वो भी आपको थ्री टाइम लिखना है वन टाइम इसमें से देख कर फिर टू टाइम ऊपर से देख कर आप नीचे लिख सकते हो सो ऑन एवरीबडी टेक योर नोटबुक हाँ अभी आपको देखो वीडियो लेक्चर देखते देखते ही लिखना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली अगर आप वीडियो लेक्चर देखते देखते लिखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा राइट right? या तो ऐसा करो कि पहले आप वीडियो लेक्चर पूरा देख लो सुन लो फिर आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी तो पीडीएफ में से देख कर लिख लेना ओके बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है देखो ये जो हम वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर टू हम इसमें लिख रहे हैं वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर ई है ओके okay? और हम बुक में क्वेश्चन नंबर टू लिख रहे हैं दैट इज आंसर नाव आपको इसमें आंसर्स लिखने हैं नाव नंबर वन वॉट इज अ वॉवल चलो मेरे साथ रीड भी करते जाओ डब्ल्यू एच ए टी वॉट इज ए वॉवेल

Sound on their own. So, vowels are those letters that can sound on their own, जो अपने आप ही आवाज़ कर जैसे ए इसको किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए ई e, उसको भी किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए आई इसको भी किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए ओ उसको भी नहीं चाहिए और यू ये फाइव लेटेस्ट को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है वो खुद अपने आप साउंड कर सकते हैं right? राइट जैसे आपको पता है कि जो सन और मून होते हैं मून है वो सन को हम ऐसा कह सकते हैं वॉवल है वाई बिकॉज उसके पास उसकी खुद की लाइट है और जो मून है वो आप उसे ऐसा कह सकते हो कि वो कंसोनेंट है क्योंकि उसे किसी और की हेल्प चाहिए होती है मीन्स उसके सन की हेल्प चाहिए होती है इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ओके कभी सन वोवेल नहीं होता और मून कंसोनेंट नहीं होता पर ये एक छोटा एग्जाम्पल है जैसे ऐसे ना उसको हेल्प की ज़रूरत है तो वो क्या है मून जो है वो कंसोनेंट है अभी वोवल्स को मीन्स सन uh, को तो किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है वो खुद ही शाइन कर सकता है उसके पास खुद की लाइट है सो उसे हम क्या कहेंगे वो वेल ओके अभी मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ ना आप आपका जो होमवर्क है आप खुद आपके लेक्चर देखते हो खुद समझते हो और खुद आपका होमवर्क करते हो दैट मीन्स आप वॉवल हो और अभी जो आपके भाई बहन हैं उनको कुछ आता नहीं है अभी तो उनको मम्मी की ज़रूरत पड़ती है उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है तो so, क्या है कॉन्सोनेंट है राइट अभी जिसे भी सबकी हेल्प चाहिए वो कॉन्सोनेंट अभी मुझे देखना है कि कौन कॉन्सोनेट है और कौन वॉवल्स है ओके जो अपने आप वर्क कर लेगा अपने आप वीडियो लेक्चर देखेगा अपने आप होमवर्क करेगा वो वॉवेल्स ओके और जो किसी की हेल्प लेता है वो कॉन्सोनेंट

आपको ये याद रखना है ए आई ओ यू चलो अभी मेरे साथ लिखते जाओ मैनी वोवेल्स आर देर इन ऑल कितने वोवेल्स है सो देर आर फा इन ऑल सो दे आर फावेल्स इन ऑल ये आपको याद रखना है एंड सी क्वेश्चन आंसर तो कितने सिंपल है सिर्फ देखो हाउ मेनी वोवेल्स आर देर तो आपको क्या लिखना है सिर्फ देर ओके देर आर फिर फाइव का स्पेलिंग लिखो वो वेल्स इन ऑल कितना सिर्फ एक ही फाइव वर्ड है उसको आपको या, याद रखना है बाकी सब तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है देन कम्स क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट इज अ कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट क्या है अब मुझे देखना है कौन कौन कॉन्सोनेंट है हमारे में से कौन अपना होमवर्क खुद नहीं करता वीडियो लेक्चर खुद नहीं देखता सो so, कॉन्सोनेंट आर दोज लेटर्स दैट कैनॉट साउंड ऑन दर ओन जो अपने आप खुद साउंड नहीं कर सकते उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं ओके कॉन्सोनेंट आर दोज लेटर्स कॉन्सोनेंट आर दोज लेटर्स दैट कैन नॉट साउंड ऑन देर ओन फोर पार्ट में ब्रेक करो कॉन्सोनेंट वो क्या है तो लेटर्स है पर कौन सा लेटर दैट के नॉट क्या नहीं कर सकते साउंड कैसे नहीं कर सकते खुद से ओके okay? सो so आपको सिर्फ फाइव क्वेश्चन पूछने ओके okay? पहले कौनसोनेटर क्या है तो लेटर्स है ओके okay? वो क्या नहीं कर सकते के नॉट साउंड ओके कैसे नहीं कर सकते खुद से तो आपको थ्री पॉइंट्स याद रखना है कॉन्सोनेंट आर दोज लेटर्स दैट के नॉट साउंड ऑन दर ओन कितना सिंपल है अब भी लर्न कर लो कम ऑन फटाफट कॉन्सोनेंट्स आर दोज लेटर्स दैट के नॉट साउंड ऑन देर ओन अब तो आपको ये लर्न बाई हार्ट हो ही जाना चाहिए इस लेक्चर के बाद आपको ये पूरा लर्न होना चाहिए मैं आप में से किसी को भी वीडियो कॉल करके ये आंसर पूछूँगी कि कॉन्सोनेंट का मीनिंग बताओ कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन बताओ फिर आपको बोलना होगा और अगर आपको नहीं आया तो आपको फाइव टाइम्स लिखना होगा कोई भी हो सकता है मैं किसी को भी वीडियो कॉल करके पूछूंगी कि कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन बोलो या तो वोवेल्स का बोलो या कितने कॉन्सोनेंट है कितने वोवेल्स है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो आपको क्वेश्चन फाइव टाइम लिखना होगा ओके okay? सो so, आप सबको प्रॉपरली लर्न करना है पहले अंडरस्टैंड करना है देन यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली ठीक से आपको प्रॉपरली लर्न करना है हाउ कंसोनेंट्स आर इन ऑल, सब में कितने कॉन्सोनेंट है टोटल देर आर ट्वेंटी वन कॉन्सोनेंट इन ऑल कितने कॉन्सोनेंट है ट्वेंटी वन कॉन्सोनेंट है अब ये तो नेचुरल है ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट है उसमें से फाइव वोवेल्स है में से, 5 है, में से 5 गया तो 1, और इदर, न, 2, तो और इधर कितने हुए ट्वेंटी वन बर्थ ये इतने कॉन्सोनेंट हो गए क्योंकि ये अल्फाबेट है ये वोवेल्स है अभी अल्फाबेट तो इतने हैं उसमें से फाइव मैंने वो वेल्स माइनस कर दिया तो देखो आपके ग्रामर के लेक्चर में हमने मैक्स भी कर लिया सो so, ऐसे आपको ना थोड़ा थोड़ा करके याद करना है ऐसा नहीं है आपको अभी माइंड में ही एकदम लर्न बाय हार्ट होना चाहिए अगर मैं आपको तीन चार साल बाद भी पूछूँ ना तो भी आपको आना चाहिए ऐसे आपको लर्न करना है ये लॉन्ग टर्म लर्न करना है आपको शॉर्ट टर्म लर्न नहीं करना है कि चलो अभी के लिए मैं याद कर ला हो जाएगा नो no, आपको ये थिंग्स याद ही रखनी है कि अल्फाबेट ट्वेंटी सिक्स होते हैं कॉन्सोनेंट ट्वेंटी वन होते हैं और वॉवल्स फाइव होते हैं कौन से हैं ए ई -E आई ओ यू वॉवल्स क्या होते हैं जो साउंड कर सकते हैं खुद और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं जो खुद साउंड नहीं कर सकते ओके ओके सो आपका जो है क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट होता है नोटबुक में आपको ऐसे ही थ्री थ्री टाइम नोट डाउन करना है अच्छे राइटिंग से लिखना है प्रॉपरली लर्न बाय हार्ट करना है एंड हा बी रेडिया मैं आपको पूछूंगी वीडियो कॉल करके आप ऐसा मत छो ना मुझे नहीं पूछेगा मैडम आई विल आस्क यू एनी बडी ऑफ यू किसी को भी मैं वीडियो कॉल करके वो भी अचानक आई विल नॉट इन्फॉर्म यू दैट आई एम कॉलिंग यू बट आई विल कॉल यू इमिडिएटली एंड आई जस्ट आस्क फॉर द आंसर एंड यू हैव टू गिव मी अगर आपने नहीं दिया तो फाइव टाइम्स लिखना पड़ेगा अगर फाइव टाइम्स लिखना है तो हिम्मत लर्न करना ओके सो यहाँ जो है हमारा थर्ड चैप्टर वो कंप्लीट होता है तो एक बार ऑल ओवर हम रिवीजन कर लेते हैं आपको तो अभी पता ही है तो भी एक बार देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स मिस ना हुए तो मोस्ट um, प्रोबेबली कुछ मिस नहीं हुआ है तो भी हम कर लेते देखो ट्वेंटी वन लेटर्स है कॉन्सोनेंट में फिर कॉन्सोनेंट आर लेटर दैट के नॉट साउंड ऑन देअर ओन दे नीड द हेल्प ऑफ वोवेल्स टू क्रिएट गेस ये आपको ये पॉइंट भी आपको माइंड में रखना है अभी कॉन्सोनेंट है वो खुद साउंड नहीं करते पर किसका हेल्प लेते हैं तो वो वोवेल्स का हेल्प लेते हैं किसका हेल्प लेते हैं वोवेल्स का ओके ठीक है ये पॉइंट आप आपकी बुक में नोट डाउन कीजिए इधर नंबर फोर लिखा ना नंबर फाइव लिखिए लिखिए उसमें कॉन्सोनेंट Yes, consonants need the help of dash to create sound. किसकी हेल्प चाहिए उसको वॉवेल्स की लिखो इधर वॉवेल्स ओके सो कॉन्सोनेंट नीड द हेल्प ऑफ डैश टू क्रिएट साउंड ये आपको याद रखना है कॉन्सोनेंट खुद तो साउंड नहीं कर सकता पर उसे कौन किसकी हेल्प चाहिए वोवेल्स की हेल्प चाहिए ये आप आपकी माइंड में रखना ओके okay? दैन फिर हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया ये भी एक पॉइंट नोट डाउन करना वो वर्ड वॉवेल मीन्स वॉइस ये भी आपको नोटबुक में लिखना है पॉइंट सिक्स में वर्ड दर्ड वीन्स वॉइस फिर बिकॉज द कॉन्सोनेंट आर नॉट सेल्फ वॉइस दे आर ऑल्सो दे आर कॉल्ड नॉन एज वेल वॉवल्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन वॉवल्स ओके उस द कॉन्सोनेंट आर नॉट सेल्फ वॉइस लेटर दे आर कॉल्ड येस कॉन्सोनेंट है वो सेल्फ वॉइस नहीं है तो कॉन्सोनेंट को आप नॉन वोवेल भी कह सकते हो ओके okay? कॉन्सोनेंट है ये माइंड में रखना कॉन्सोनेंट है जो वो खुद साउंड नहीं कर सकते तो उसे आप नॉन वोवेल भी कह सकते हो तो ये भी एक आपको पॉइंट नोट डाउन करना है दैट कॉन्सोनेंट आर नॉट सेल्फ वॉइस सो दे आर कॉल्ड नॉन वोवेल ऑल्सो ओके देन ये सब तो हमने किया ही है ये भी आपका कंप्लीट है पुट अ सर्कल राउंड ईच कॉन्सोनेंट फिर सर्कल राउंड वॉवल में फिर देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं देर आर फाइव वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट देर आर ट्वेंटी वन कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट द फाइव वॉवल्स आर ए आई ओ यू द ट्वेंटी वन कॉन्सोनेंट आर बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई सेड राइट फिर हमने इधर सभी कॉन्सोनेंट लगाए सॉरी वोवेस लगाए ए यू देखो बैट, बैट बैट बीट बोट बुट बट सॉरी फिर यहाँ भी था देखो एक पैट पैट पिट पोट पुट राइट right? फिर हमने आज ही क्वेश्चन आंसर किए सी अगर ये आपका कंप्लीट नहीं है चैप्टर नंबर थ्री का वर्कशीट तो मैं आपको उसकी पूरी पीडीएफ भेज दूंगी अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप ये प्रॉपरली अच्छे से राइटिंग करके नोट डाउन करना ओके एंड हाँ जब भी आप लिखते हो सी बच्चों अभी तो आप घर पे घर पे ही हो स्कूल आपको आना नहीं है मीन स्कूल आपका आने का होता नहीं है फिर आप ट्यूशन जाते हो तो भी वो उधर दो घंटे से ज़्यादा तो नहीं होते ज़्यादा से ज़्यादा दो घंटे उससे ज़्यादा तो नहीं रहते सो so, आपके पास इतना सारा टाइम होते हुए भी आप क्यों फ़ास्ट लिखते हो आपको स्लोली स्लोली लिखना है फास्ट हमको कहीं जाना नहीं है और हाँ ये सब कंपलसरी नहीं है मैंने आपको बताया ना कि आज आप होमवर्क ऐसा नहीं है कि आज मैंने वीडियो लेक्चर दिया आप, आपको शाम को ही भेजना है नो no, कोई बात नहीं आप मुझे बाद में भी भेज सकते हो पर हाँ आपको अच्छे राइटिंग करने हैं अगर अभी से मैं देखूंगी अगर किसी के राइटिंग मुझे अच्छे नहीं लगे ना उसको रब करके लिखना होगा और अगर रब नहीं करके लिखेगा ना तो फिर मैं उसको कॉल करूंगी और फिर उनको मेरे सामने फिर रब करके लिखाऊंगी वीडियो कॉल में इसीलिए उससे अच्छा है कि आप पहले से ही अच्छे से लिख लेना ओके ओके सो होप कि आपको कॉन्सोनेंट और वोवेल में अभी जीरो डाउट है उसमें कुछ डाउट ही नहीं है राइट right? अब आपको लर्न करना है लर्न में क्या करना है एक ब्लैंक्स और एक क्वेश्चन आंसर आपको प्रॉपरली समझ के लर्न करना है क्वेश्चन आंसर में अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता है प्रोनाउंशिएशन नहीं होता है तो आप वीडियो देखो अगर वीडियो में भी आपको नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन कॉल मी मैडम मुझे प्लीज़ इसका प्रोनाउंशिएशन बोल दो प्रनाउंशिएशन मतलब क्या होता है जैसे देखो डब्ल्यू वी ओ डब्ल्यू ई एल वॉवेल्स मैंने जो वर्ड वॉवेल्स बोला ना इसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं सो so अगर आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल करो और मुझे पूछो कि मैडम मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा है मुझे प्रोनाउंसिएशन बताओ इसका सो so मैं आपको एट अ टाइम प्रोनाउंसिएशन बता दूंगी ओके okay? ओके सो फाइन अभी आई कैन से ना देट आपको कोई डाउट नहीं है इस चैप्टर में हो तो आप मुझे पूछ लेना इमिडिएटली आज ही पूछ लेना बिकॉज देखो क्या होगा बच्चा है बच्चों अगर आपको ऐसा लगेगा चलो मुझे समझ में नहीं आया तो बाद में पूछ लूँगा फिर बाद में क्या होता है हम और भी ज़्यादा चैप्टर कर लेंगे तो आपको यही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप आगे जाकर कैसे समझ पाओगे सो उसके लिए आपको क्या करना है ये जो है पहला पूरा समझना है आपको लर्न बाय हार्ट करना है लर्न बाय हार्ट मतलब क्या होता है पता है कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे लॉन्ग टाइम मतलब आपकी जब तक एजुकेशन चलती है उसके बाद भी आपको ये चीज़ याद होना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ऐसे ही आपको लगे चलो मैंने ऐसे ही लर्न कर लिया तो ये तो नहीं चले गए तो आपको आज लर्न आज याद रहेगा वन वीक तक याद रहेगा उसके बाद आपको फिर से करना पड़ेगा उससे बेटर है आप पहले समझ लेना प्रॉपरली आप समझो वर्ड्स को प्रॉपरली एक वर्ड्स को समझो क्या कहना चाहते हैं लाइक जिस देखो आप ब्रेक करोगे मैं आपको सिखाती हूँ कैसे ब्रेक करो वॉवेल्स आर दो लेटर्स मतलब वॉवल्स वो लेटर्स है कौन से बट दट कैन साउंड वो साउंड कर सकते हैं ऑन देर ओन वो खुद साउंड कर सकते ऐसे ब्रेक करो सेंटेंस को सेंटेंस को ब्रेक कर कर के आप समझ समझ के लर्न करो कि वोवेल्स है वो ऐसे लेटर्स है जो साउंड कर सकते अपने आप सो थ्री पॉइंट्स में आप ऐसे जब डिवाइड करोगे ना ऑटोमेटिकली आपको भी इंटरेस्ट जगेगा और आपका इमीडिएटली आपको लर्न होगा वो भी कैसा लर्न होगा आप समझोगे भी और लर्न भी करोगे और इससे क्या होगा पता है जब आप रीड करोगे ना ज़्यादा से ज्यादा तो आपका रीडिंग स्किल है वो भी अच्छा होगा बहुत बच्चे ऐसा बोलते हैं ना मैडम मुझे रीडिंग नहीं आता बट क्यों रीडिंग नहीं आता बच्चों पता है क्योंकि आप रीडिंग ही नहीं करते क्योंकि आपको आपको ऐसा ही लगता है कि मुझे नहीं आता तो मुझे नहीं करना बट आप करोगे तो आपको आएगा ऐसा नहीं मुझे आज नहीं आया कल नहीं आया परसों नहीं आया पर उसके बाद तो अल्टीमेटली आपको आ जाएगा बट उसके लिए क्या चाहिए पता है आपको रीडिंग का प्रैक्टिस होना चाहिए चलो मैंने दो दिन रीडिंग किया और तीन दिन, दिन छोड़ दिया तो फिर मुझे रीडिंग कहाँ से आएगा नहीं ऐसा नहीं करना है आपको ऑलवेज रीड करना है रोज का आप देखो अभी आप ये लर्न करोगे तो आप ये रीड करोगे ओके क्योंकि आपको लर्न करना है फिर आपको यही रीड होगा बट उसके साथ साथ आप देखो ये चैप्टर भी रीड कर सकते हो कर सकते हो कि नहीं कर सकते यस yes, आपको पहले से चैप्टर रीड करना है एंड हाँ uh, आपको अभी देखो आप पहले से चैप्टर रीड करोगे अभी देखो अभी इधर कुछ वर्ड्स है जैसे कि क्लियरली है इंडिपेंडेंटली है फिर एग्जाम्पल है कॉन्सोनेंट है ये तो आपको आएगा देन प्रॉपरली है ये जो एक एक वर्ड हो ना वो आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होगा देन नो प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी एट अ टाइम और बोलो मैडम चैप्टर नंबर थ्री है कॉन्सोनेंट उसमें देखो ना फर्स्ट लाइन जो है ओ सी एल ई ए आर एल वाई लिखा है उस उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं तो मैं आपको एट अ टाइम बता दूंगी उसको क्लियरली बोलते हैं फिर आपको जो भी डाउट है आप वो भी क्लियर कर लो जब वीडियो देख रहे हो तभी क्लियर कर लो या तो जब करने बैठते तभी so हो तभी क्लियर करो सो दैट क्या होगा आपके डेली के डाउट्स भी क्लियर हो गए आपको समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा बच्चा आपको पता है कभी आपको अच्छा लगता है जब आप करते हो जब आपको जो चीज़ नहीं पसंद ना वो आप करते ही नहीं हो मैंने देखा है मुझे नहीं पसंद है नहीं करना बट आप एक बार करके देखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा सो so, नाउ अभी ये तो क्लियर ही हो गया आपको क्या करना है आपको अभी जो है वो आपको अभी नोट सिर्फ वर्कबुक नोटबुक में इक्वेशन आंसर लिखना है ओके okay? और मैं आज ये पी भेज दूँगी जिससे अगर आपका बाकी है तो आप कम्प्लीट कर लेना अदरवाइज आपको नोटबुक वर्क तो कंपलसरी करना ही है सबको ओके ओके सो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आया होगा सो so, आज से ही आप खुद को प्रॉमिस कर लो कि आज से ही मैं प्रॉपर्ली रीड करूँगा अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं मैडम से पूछूंगा बट मैं रीड करूंगा आपको स्किप नहीं करना है कुछ भी आपको तो सब कुछ रीड करना है ऐसा मत करो ए स्पेलिंग का प्रोनाउंस नहीं आता तो मैं स्किप कर देता हूँ no, नो नहीं आता मुझे पूछो कॉल मी एंड आस्क मी एट अ टाइम कि मैडम इसका प्रोनाउंसिएशन बताओ आई विल टेल यू बट आपको स्किप नहीं करना है कुछ भी ओके एंड आपको डेफिनेशन भी है वो लर्न बाय हार्ट करना है मैंने जैसे आपको ब्रेक करके सिखाया समझना है और लर्न करना है ओके सो बाय एंड हैव अ गुड डे